हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 31st पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के भाग 31 में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द लेटर वैदिक फेज, जिसे हिंदी में उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अंडर द टॉपिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वी आर गोइंग टू से अबाउट द कास्ट सिस्टम, देन वी विल से अबाउट द पोजिशन ऑफ वोमेन, उसके बाद एजुकेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हाउस बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था। सो वी विल स्टार्ट विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सबसे बड़ा बदलाव जो आर्यन सोसाइटी के अंदर आया लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, वो था रिजिड कास्ट सिस्टम। एक ऐसी कठोर जाति व्यवस्था का उदय होता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आर्यन सोसाइटी में, जिसकी वजह से पूरा जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं हिल जाता है। एक ऐसा कास्ट सिस्टम आ गया जो इतना कठोर था कि उसने ह्यूमन इक्वलिटी की वैल्यू रखी ही नहीं। ह्यूमन इक्वलिटी की जो वैल्यू थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, और इस रिजिड कास्ट सिस्टम की वजह से भेद आ गया एक इंसान और दूसरे इंसान में। सो इंसानियत के अंदर ही अब भेद आ गया। पहले जो सोसाइटी में लोग मिल के रहते थे, अब उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजिड कास्ट सिस्टम। सो लेटर वैदिक सोसाइटी को अगर हम देखते हैं तो वर्ण सिस्टम जो है वो कैरी होके पहुँचा था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, फ्रॉम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जो वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे, वही वर्ण सिस्टम जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके आया लेटर वैदिक टाइम के सोसाइटी में। बट यहाँ पे चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो जाता है। तो वर्ण सिस्टम क्या थे? तो वर्ण सिस्टम जो है बेसिकली उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया था, और ये काम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये वर्क के बेसिस पे डिवाइड किया गया था वर्ण सिस्टम। तो पहला जो था उसे ब्रह्मणा कहते थे, ब्राह्मण कहते थे। दूसरे जो थे उसको राजन्य या फिर क्षत्रिय कहते थे। एंड तीसरा जो वर्ण था उसे वैश्य कहते थे, और चौथा जो वर्ण था उसे शूद्र कहते थे। बट ये आगे जाके कास्ट सिस्टम बन जाता है, जाति प्रथा का बेस बन जाता है वर्ण सिस्टम। बट एक्चुअली वर्ण सिस्टम में कुछ और बताया गया था, हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वर्ण सिस्टम जो है वो पहले के टाइम पे किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था। सो कास्ट सिस्टम के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर रह जाते हैं कास्ट सिस्टम में, देन उसके नीचे क्षत्रिय रहते हैं, क्षत्रियों के नीचे फिर वैश्य रहते हैं, और वैश्य जो हैं उनके नीचे शूद्र रहते हैं। शूद्र जो है वो कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे में काउंट हुए। फिर उसके बाद फिर अगर हम जनरली बात करें, जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में वर्ण सिस्टम जो है वो डिवाइड किया गया था, तो वो बेसिकली चार टाइप की जो ड्यूटी है सोसाइटी में जो लोगों के द्वारा अगर परफॉर्म हो तो सोसाइटी जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, देश का उत्थान होगा, एरिया का उत्थान होगा। तो इस बेसिस पे लोगों को चार काम जो है बांटा गया था। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप था उसको बोला गया कि एक जो ग्रुप रहेगा वो पूजा पाठ करेगा, वो प्रेयर करेगा, वो रिलीजियस राइट्स करेगा। ठीक है, तो एक ग्रुप को ये फंक्शन दिया गया। तो ये जो वर्ण हैं इनको क्या कहा गया? तो इनको ब्राह्मण कहा गया। वो लोग जो पूजा पाठ कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, रिलीजियस राइट कर रहे थे, वो जो ग्रुप था उनको ब्राह्मण कहा गया। सेकेंड जो ग्रुप था उसको कहा गया कि आप जो हैं वारफेयर की नॉलेज गेन करें, आप बैटल फाइट करने का तरीका सीखें, आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजय पाने का तरीका सीखें। कोई इन्वेडर आता है, कोई आक्रमणकारी अगर आके हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी टेरिटरी को, अपनी प्रजा को डिफेंड करना सीखें। तो ये जो सेकेंड ग्रुप था जिसने वारफेयर को सीखा एंड इसके अंदर बेसिकली युद्ध कौशल को सीखा और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जिन्होंने अपने ऊपर लिया, वो क्षत्रिय कहलाए। ठीक है, एंड थर्ड सेट ऑफ पीपल जो थे उनको बोला गया कि आप जो है कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो, यानी आप खेती बाड़ी जो है वो करो, आप ट्रेड करो, आप कॉमर्स करो। इस वजह से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी एंड लोग जो हैं वो अनाज भी पा पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाए गए एंड उनको कुछ काम दिए गए की वजह से पूरी जो सोसाइटी है वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये जो थर्ड ग्रुप था जिसको कल्टीवेशन का काम और ट्रेडिंग का काम और बिजनेस का काम दिया गया, तो उन्हें फिर वैश्य कहा गया। ठीक है, और जो चौथा ग्रुप था उसको बोला गया कि आपको परफॉर्म करना है सोशल सर्विस वर्क जो है वो आपको परफॉर्म करना है, आपको साफ सफाई रखनी है, आपकी जिम्मेदारी है कि झाड़ू जो है ठीक से लगा रहे, हर जो एरिया है वो साफ रहे। तो ये जो काम है ये चौथे ग्रुप को दिया गया था, एंड ये जो चौथा ग्रुप है इन्हीं को शूद्र कहा गया। ठीक है,
एनी मैन कुड डू एनी सच वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन फ्री चॉइस और एबिलिटी. जब ये वर्ण सिस्टम डिवाइड किया गया था उस समय हर किसी के पास ये आज़ादी थी कि वो अपनी मर्जी से जो कार्य करना चाहे वो कर सकता था. ब्राह्मण का बेटा अगर खेती करना चाहता था या फिर बिजनेस करना चाहता था देन वो अलाउड था, और अगर उसने ऐसा किया होता उस समय तो वो जो है वैश्य कहलाता, ठीक है, वो ब्राह्मण नहीं रहता. उसी तरीके से अगर कोई वैश्य है, उसने अगर उपनिषदों की ज्ञान प्राप्त कर ली, वेदों की ज्ञान जो है उसने अर्जित कर लिया, तो अगर उसने ब्रह्म ज्ञान अर्जित कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, तो वो फिर ब्राह्मण कहलाता था. बट आज के सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? एक ब्राह्मण का बेटा कहीं ऑफिस में जाके जॉब कर रहा है फिर भी उसे वैश्य नहीं कहा जा रहा है, उसे ब्राह्मण ही माना जा रहा है. कोई शूद्र जो है उसने बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो नॉलेज है वो बहुत ही क्लासिकल है, बट स्टिल उसे शूद्र ही काउंट किया जा रहा है. बट पहले के टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, बट ये जो चीज़ें हैं ये मैनुपलेट हो गई थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में. और धीरे धीरे ये जो चार, ये जो मेन वर्क थे, ये चार कास्ट सिस्टम को उत्पन्न कर दिए. ठीक है, ये जो चार काम बांटे गए थे सोसाइटी के अंदर, पहला पूजा पाठ का, दूसरा वारफेयर का, तीसरा बिजनेस का एंड खेती का, चौथा साफ सफाई का, यही जो है ये बेस बन जाते हैं कास्ट सिस्टम का. और जो लोग रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उनको ब्राह्मण कहा गया, जो लोग फाइटिंग कर रहे थे, बैटल्स लड़ रहे थे उनको क्षत्रिय कहा गया, जो लोग बिजनेस कर रहे थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे उनको वैश्य कहा गया, और फाइनली जो लोग साफ सफाई ये सब देख रहे थे उनको शूद्र कहा गया. तो काम के बेसिस पे कास्ट सिस्टम जो है वो अब बांट दिया जाता है. बट सबसे बड़ी ट्रेजडी क्या हो जाती है इसके अंदर भी, कि ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया ये हेरिडेटरी कर दिया गया. यानी अगर कोई मनुष्य है वो अगर शूद्र कास्ट में फॉल हो रहा है एंड उसके यहाँ पे जो भी पीढ़ी आएगी वो शूद्र ही कहलाएगी. बट पहले के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले के टाइम पे चीज़ें जो थी वो व्यवसाय को, जिस व्यवसाय को हम अपनाएंगे वही हमारा जो है वर्ण हो जाता था, वही हमारा कास्ट हो जाता था. बट आज के टाइम वो जो चीजें हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड से मैनुपलेट हो गए. फिर अगर हम देखें तो किसी क्षत्रिय का अगर बेटा जो है उसने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर भी उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता था, या फिर उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता था अकॉर्डिंग टू द न्यू कास्ट सिस्टम. फिर अगर कोई शूद्र का बेटा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था, वो सैनिक बन गया, वो सेना में शामिल हो गया, फिर भी उसको क्षत्रिय नहीं कहा गया, उसको शूद्र ही कहा गया. तो इस वजह से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी के अंदर वो क्रिएट होता है, एंड इसके वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट जो है सोसाइटी के अंदर वो आ जाता है. सेकेंडली, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है इन्होंने अपने आप को बोला कि हम हायर क्लास में फॉल होते हैं, एंड इन्होंने मोनोपोली जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया. हर जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पे इन्होंने अपना प्रिविलेज जो है मीन्स अपने आप को ऊपर उठा के दिखाना और अपने लिए चीज़ें जो है करवाने का जो सिस्टम है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ब्राह्मण एंड क्षत्रियों ने. देन उन्होंने फिर बाकी के जो क्लास थे उनको नीचा देखा. ठीक है, उनको नीचा देखा गया. जो वैश्य एंड जो शूद्र थे उनको नीचा दिखाया गया, एंड इंटरकास्ट मैरिज जो है बाद में स्टॉप हो जाता है. पहले के टाइम पे इंटरकास्ट जो मैरिज है वो हुआ करता था, बट जब से लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ये कास्ट सिस्टम इस तरीके से ओरिजिनेट हुआ एंड ये हेरिडेटरी बन गया, उसके बाद से इंटरकास्ट मैरिज जो है ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है. जबकि हम देखें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में तो ये सारी जो चीज़ें थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आज भी लोगों के मन में इस तरीके से बैठी हुई हैं कि वो इन चीज़ों को मानने के लिए तैयारी नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं पहले के टाइम पे एग्जिस्ट भी कर रही थी. और दो सबसे बड़ा जो खतरनाक काम, जो बेकार काम हुआ, तो वो था पहला कि कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम में चीज़ें तो डिवाइड हो गई बट कास्ट में भी अब सब कास्ट आने लगे. ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा. तो हर जो मनुष्य होता है उसकी एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है कि वो हर किसी के ऊपर थोड़ा राज करके रखना चाहता है. ठीक है, हर किसी के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहता है. तो भाई अगर कोई लोअर कास्ट में फॉल हो गया तो वो सोचेगा कि वो किसी के ऊपर भी राज करे. तो कास्ट सिस्टम के अंदर भी अब एक कास्ट सिस्टम आ गया, जिसकी वजह से
कास्ट सिस्टम के अंदर भी लोगों ने बोला कि नहीं, इस कास्ट सिस्टम में अगर हम हैं, जैसे वैश्य को ले ले, तो वैश्य ने कहा कि वैश्य के अंदर हम सबसे ऊपर है, तुम नीचे हो, तुम उससे नीचे हो, तुम उससे नीचे हो. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी जो थी वो सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट होने लगी, एंड कास्ट सिस्टम भी फर्दर डिवाइड हो गया, एंड उसके अंदर सब कास्टस भी निकल के आते हैं. तो हम देखेंगे कि एक एक जो कास्ट है उसके अंदर बहुत सारे सब कास्ट अब इंडिया में पाए जाते हैं, बट अर्लियर दिस थिंग वॉज नॉट देयर इन द सोसाइटी. तो ये चीज़ें जब थी ही नहीं, जब हम अपने भगवान को इतना मानते हैं, हम अपने शास्त्रों को इतना मानते हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें तो शास्त्र के द्वारा ही दी गई है, तो कास्ट सिस्टम को हम क्यों मान रहे हैं? कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या फिर हम अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो हमारे भगवान है जिनको हम पूज रहे हैं, हम उन्हीं को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं. फिर सेकेंडली, जो शूद्र थे, क्योंकि वो छोटे काम कर रहे थे, क्योंकि वो साफ सफाई कर रहे थे, तो इसकी वजह से उनको इम्प्योर जो है मान लिया गया, एंड बोला गया कि शूद्र जो है वो इम्प्योर हैं क्योंकि वो साफ सफाई कर रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, वो नाली साफ कर रहे हैं. तो कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता, बट यहाँ पे लोगों ने इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, उस तरीके से उसको छोटा माना कि सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, उसके काम को ही नहीं, उसकी पूरे कास्ट को ही उन्होंने कहा कि ये जो कास्ट है ये पूरी तरीके से इम्प्योर है. तो क्या आपके घर में गंदगी होती है तो आप गंदगी साफ नहीं करते? अगर आप गंदगी साफ करते हैं तो आप शुद्र हो गए, भले ही आप कितने भी हाई क्लास क्यों ना रहे हो. तो आप चीज़ों को लॉजिकली देखें, बिकॉज सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हमें सोसाइटी के अंदर चीज़ें जो हैं वो भी देखनी है, एंड जो ये मतभेद है जो जनता तक नहीं पहुंच पाया है वो हमें अपनी तरफ से कोशिश करके पहुंचाना है. हमसे जो बड़े हैं, जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम को कुछ लोग जो हैं बहुत ही रिजिडली फॉलो करते हैं, हमें उन तक जाके ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्यार से समझानी है कि एंशिएंट टाइम में हमारे पास ये चीज़ें ऐसी नहीं थी, तो अभी के टाइम पर हम क्यों ऐसे फॉलो कर रहे हैं. हमें हर किसी को इक्वलिटी के साथ देखना चाहिए, हमें हर किसी को इक्वल स्टेटस देना चाहिए. जस्ट बिकॉज वो किसी और कास्ट में या वो किसी और टाइप का ये प्रोफेशन जो है वो अपना चुका है, इसके वजह से ये मतलब नहीं है कि वो जो है हमसे नीचा है या कोई हमसे ऊंचा है, हर कोई जो है वो बराबर है. सो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम लोगों तक ये जो चीज़ें हैं वो पहुँचाएं. फिर कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता गया, एंड ये आगे जाके अगर हम भारत की आज़ादी को देखें, भारत की आज़ादी के बाद भी ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ही तरीके से फॉलो की गई लोगों के द्वारा, और आज के टाइम भी ये जो चीज़ें हैं बहुत जगहों पे फॉलो की जा रही है, एंड इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो लोअर कास्ट में लोग हैं उनको दुख जो है झेलना पड़ा, उनको प्रताड़ित किया गया अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, एंड इसीलिए फिर हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो हैं वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हुए, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंट की तरह जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर हर किसी को इक्वल बताया गया, तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो जो लोअर कास्ट में लोग थे जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, तो कोई भी जो है किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, हर कोई आजाद होकर रहना चाहता है, तो उनको आजादी जो है वो महसूस हुई बौद्ध धर्म और जैन धर्म में. इसीलिए जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो वैदिक पीपल थे, जो कास्ट बेसिस पे डिवाइड कर दिए गए थे, जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं वो उसके अंदर जो है डाइवर्ट हो जाते हैं एंड उन चीज़ को अपना लेते हैं. बट ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक ही थी, बस डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया लोगों को, इसीलिए उन्होंने अपना जो है धर्म परिवर्तन जो है कर दिया. बट धर्म को अगर देखा जाए तो सारे धर्म जो हैं वो अगेन एक ही हो जाते हैं. देन अगर गायत्री मंत्र को देखें या फिर कोई भी बाकी जो मंत्रास थे, वो शूद्रास को बोला गया कि आप इसको रिसाइट नहीं कर सकते हो, आप इसको बोल नहीं सकते हो, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो. साथ ही साथ जो शूद्रास थे उनको वैदिक एजुकेशन को देने से मना कर दिया गया, यानी उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो वैदिक एजुकेशन को ग्रहण करें, या फिर जो लोग उनको वैदिक उपनिषद देने के लिए तैयार भी थे, जो ऋषि मुनि या जो ब्राह्मण्स तैयार भी थे, तो उन ब्राह्मण्स को सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो है डरा धमका दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जो वैदिक एजुकेशन है वो पूरी तरीके से शूद्रास तक पहुँच ही नहीं पाया, और ये बहुत ही बड़ा एक दुष्कर्म जो है सोसाइटी का वो उत्पन्न हो जाता है. एंड इसी तरीके से अगर हम वुमेन्स को देखें, औरतों को देखें, तो औरतें जो थी, औरतों को गायत्री मंत्र उच्चारण करने का राइट जो है वो नहीं दिया गया था, उन्हें बोला गया था कि औरतें जो है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगी या उसको यूज़ नहीं करेंगी. साथ ही साथ
उपनयन जो है वो भी औरतों का लड़कियों का नहीं किया जाता था। उपनयन क्या होता था? तो उपनयन एक सेरेमनी हुआ करती थी जिसके तहत जो टीचर है, जो गुरु है, वो अपने शिष्य को एक्सेप्ट करता था कि हाँ ये आज से मेरा शिष्य है एंड इसका एजुकेशन जो है मैं देखने वाला हूँ आगे। तो उपनयन भी जो है वो औरतों को नहीं दिया गया, उनको डिनाई किया गया उपनयन एंड गायत्री मंत्र भी। तो इसकी वजह से सोसाइटी में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ वोमेन। तो जो औरतों का जो वर्चस्व था और औरतों का जो पोजीशन था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, ऋग वैदिक टाइम पीरियड में, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। एंड चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेट की जा रही थी ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियों के द्वारा। साथ ही साथ पॉलीगामी जो है, बहु विवाह सिस्टम जो है वो अब बहुत ज़्यादा होने लगा था अपने सोसाइटी में। लेटर वैदिक टाइम पीरियड के सोसाइटी में बहु विवाह जो प्रथा था वो अब फॉलो किया जा रहा था। साथ ही साथ जो रिलीजियस सेरेमनी थी जहाँ पे जो वाइफ थी, जो पत्नियाँ थी, वो पहले अलाउड थी कि वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर सकती थी। यानी कोई पर्टिकुलर रिचुअल जो है वो वाइफ के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता था, और पहले के टाइम पे ऋग्वेदिक टाइम पे इसको फॉलो भी किया जाता था, वाइफ के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड में पंडितों ने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये औरतें नहीं कर सकती, ये पत्नियां नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पंडितों के द्वारा अगर हो तो बहुत ही अच्छा होगा, भगवान जल्दी खुश होंगे। तो इस तरीके से पंडितों ने चीज़ों को जो है पहले मैनिपुलेट किया एंड अपना जो है स्वार्थ वो फुलफिल करने लगे। देन साथ ही साथ अगर हम देखें तो औरतें जो थी उनको अब अलाउ नहीं किया गया पॉलिटिकल असेंबली में ज्वाइन होने के लिए। यानी पहले के टाइम पे हम देखें तो सभा एंड समिति में औरतें जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट जो है वो करती थी। बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड में अब ये जो चीज़ें हैं वो, ये जो हक है वो हमसे उनसे छीन लिया गया एंड बोला गया दैट अब से आप जो हैं वो पॉलिटिकल असेंबलीज में नहीं आएंगी, आप सभा समिति जो हैं वो अटेंड नहीं करेगी। और साथ ही साथ धीरे धीरे हम देखें तो जो ग्लोरी था औरतों का वो छिनता जा रहा था एंड उसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी जो था औरतों के पास, लड़कियों के पास, वो भी उनसे छिन जाता है। एंड बेसिकली जो लड़कियां होती हैं वो अब कोई पेरेंट नहीं चाह रहा था कि उनके घर में लड़कियां पैदा हो, ठीक है। मोर देन 99% जो पॉपुलेशन थी उस समय लेटर वैदिक टाइम पीरियड की, तो वो चाहते थे कि उनके घर में बेटा ही हो। एंड अगर कोई बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो उसे सोर्स ऑफ मिजरी जो है माना जाता था। माना जाता था कि बेटी पैदा होगी मतलब पूरी ज़िंदगी अब कष्ट ही कष्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ना जाने कहाँ से सोसाइटी के दिमाग में, सोसाइटी में जो लोग रह रहे थे उनके दिमाग में आई। एंड कहीं ना कहीं ये जो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ था वो अपर वर्नास के द्वारा, वहीं से ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाके बहुत ही और ज़्यादा मैनिपुलेट हुई और औरत जो है, एक लड़की जो है वो लोगों के हाथ का खिलौना बन के रह चुकी थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। एंड नॉट ओनली लेटर वैदिक टाइम पीरियड, अगर हम आज़ादी के टाइम तक देखें, आज़ादी के बाद भी अगर देखें तो एजुकेशन लेवल जो था वो बहुत ही कम था। तो कहीं ना कहीं औरतें जो हैं अपने सोसाइटी में एज अ टॉय यूज़ होती हैं। बाप ने जो कह दिया वही चीज़ करना है, माँ ने जो कह दिया वही चीज़ करना है, या फिर पति ने जो कह दिया वही चीज़ करना है। तो मैं माँ बाप या पति के अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो आज़ादी है, वो जो इक्वलिटी है, वो हर किसी को मिलना चाहिए। देन लेटर वैदिक टाइम पीरियड से ही डॉरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो उठ जाता है और चाइल्ड मैरिज जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उस समय तक जो पेरेंट्स थे, लड़की के माँ बाप जो थे, वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बेसिकली बोझ मानना शुरू कर चुके थे। एंड इस वजह से चाइल्ड मैरिज और डॉरी सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो प्रेस्टीज, जो ऑनर, जो इज्जत औरतों को मिलनी चाहिए थी सोसाइटी में, वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। एंड पूरा जो कंट्रोल है औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो अपना दिखाती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है? तो वो सोसाइटी जहाँ पे आदमियों का, मेल्स का डोमिनेशन रहता है। अब देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। सो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिविलाइजेशन जो है ग्रो होती रहती है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है। तो लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जो वैदिक पीपल थे, ये जो
सिविलाइजेशन थी ये भी ग्रो कर रही थी, एंड इसके वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो है लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे, एंड दूर दूर के देशों तक ट्रेडिंग जो है अब किया जा रहा था। हम अपने देश में ही ट्रेडिंग कर रहे थे, साथ ही साथ हम समुद्र क्रॉस करके दूसरे देशों में भी जा रहे थे, एंड वहाँ से हम ट्रेडिंग जो है कर रहे थे, एंड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। साथ ही साथ लोग जो है वो अब सी नेविगेशन को भी जानने लगे थे, एंड अब वो समुद्री रास्ते को फॉलो करते हुए दूसरे दूसरे देशों में जाके ट्रेडिंग जो है कर रहे थे, एंड कुछ जो कॉइन्स जो उस समय सर्कुलेट हुआ करते थे फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें से कुछ जो कॉइन है उनको कहा गया निशिका, देन सेकेंड जो कॉइन है उसको सतामाना, एंड थर्ड जो कॉइन है उसको कृष्ण नाला। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो सर्कुलेट किए जाते थे रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, सॉरी लेटर वैदिक टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। देन कृष्ण नाला जो कॉइन था उसका वेट जो है वो 1 रत्ती का हुआ करता था, और 1 रत्ती आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कितना हुआ करता है, तो 1.8 ग्राम जो है उसको 1 रत्ती कहते हैं। तो कृष्ण नाला जो कॉइन हुआ करता था उसका वेट कितना था, तो 1 रत्ती था। एंड इस तरीके से हम देखें तो मर्चेंट जो हैं वो अब बहुत जगह पे बिजनेस कर रहे थे, एंड मर्चेंट क्लास जो है मतलब जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा था एक ग्रुप के द्वारा, एंड वो जो ग्रुप था मर्चेंट्स का ग्रुप उसे पानी ग्रुप कहते थे। तो पानी ग्रुप जो था मर्चेंट्स के अंदर वो कंट्रोल कर रहा था मैक्सिमम ट्रेड एंड कॉमर्स को लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। अब एजुकेशन के बारे में देखते हैं तो एजुकेशन जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में किया जाता था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में भी, एंड स्टूडेंट्स जो थे उनको वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, ग्रामर के बारे में, लॉ के बारे में, अर्थमेटिक्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। बट वहाँ उस समय जो है स्टूडेंट्स अपने टीचर के घर में जाके पढ़ते थे, ठीक है, जो ऋषि मुनि रहते थे उनके घर पर जाके बच्चे रहते थे, एंड वहाँ पर वो एजुकेशन जो है ग्रहण करते थे। तो गुरुकुल सिस्टम जो है समय चलता था, एंड स्टूडेंट जो हैं उनको गुरुकुल में भेजा जाता था जहाँ पे वो अपना एजुकेशन ग्रहण करते थे, और उनको बोला जाता था कि आप अपने गुरु के घर में ही, टीचर के घर में ही रहोगे, एंड वहाँ पे आप एक ब्रह्मचारी का जो जीवन होता है, ब्रह्मचारी का जो जीवन होता है वो व्यापन करोगे, और साथ ही साथ जो आपकी पहली और सर्वप्रथम ड्यूटी है वो ये है कि आप पढ़ाई करोगे, साथ ही साथ आप अपने टीचर की सेवा करोगे, टीचर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनकी हेल्प करोगे, आप उनके कामों में उनका हाथ बढ़ाओगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे ये फॉलो किए जा रहे थे स्टूडेंट्स के द्वारा एंड टीचर्स के द्वारा, एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो हैं वो ग्रहण करते थे अपने गुरु के घर में, मतलब अपने गुरु के घर में जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं यानी गुरुकुल में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे फ्री में उनको रहने का और खाने का जो है व्यवस्था मिलता था। बट एजुकेशन ख़त्म होने के बाद, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, उनको फीस जो है पे किया जाता था एज गुरु दक्षिणा, ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में फीस जो है पे किया जाता था, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़। बट आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, भाई पहले एडवांस दो उसके बाद एडमिशन लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत अलग थी पहले के टाइम पे। फिर अब देखते हैं हाउस बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। सो अगर हम घर को देखें तो घर के अंदर ग्रह पाठा जो है वो मिलता था, ग्रह पाठा जो है वो प्लेस हुआ करता था घर के अंदर जहाँ पे कंटिन्यूसली आग जो है वो जला के रखा जाता था। देन घर जो था वो मेनली वुड से बना हुआ था, एंड देन अगर हम आगे देखें तो तैत्रीय आरण्यकस, ये जो वर्ड है ये रेफ़र किया जाता है स्पेशल टाइप ऑफ हाउस को, एंड ये जो स्पेशल टाइप ऑफ हाउस है इसको फिर क्या कहते हैं, तो इसको धन धनी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रखा जाता था, तो यहाँ पे धन रखा जाता था, यहाँ पे प्रॉपर्टी रखा जाता था, यानी घर जो बनाया जाता था उसके अंदर कुछ हिस्से जो हैं डिवाइड कर दिए जाते थे, एंड पर्टिकुलर हिस्से में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो रखी जाती थी। देन घर का जो एक हिस्सा था उसको पतिनम सदनम कहते थे या फिर पतिनम सदन कहते थे। वो जो घर का हिस्सा हुआ करता था वो औरतों के लिए हुआ करता था, वोमेंस अपार्टमेंट उसको कहते थे, एंड इस बात का मेंशन जो है वो अथर्ववेद में किया गया है।
एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा था, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसको करने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बैलगाड़ियाँ जो है वो यूज़ की जाने लगी लोगों के द्वारा, रथ जो है वो वार में स्पोर्ट्स में पहले से ही यूज़ हो रहे थे, देन रफ व्हीकल जो हैं वो भी यूज़ किया जाने लगा था लोगों के द्वारा, एंड इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स का वो लोगों ने किया। साथ ही साथ हाथी और घोड़े जो हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किए जाने लगे। शिप एंड बोट जो हैं वो भी अब लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।